नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। मानवता का कोई धर्म या जाति नहीं होती, इस बात का पुख्ता सबूत प्रयागराज की धरती पर मिलता है। जी हाँ, ये वही प्रयागराज है जहाँ आज भी गंगा यमुना तहजीब जिंदा है और आज भी लोग अपने मन में यह तहजीब समेटे हुए हैं। प्रयागराज के नैनी लिप्रेसी चौराहे पर खुद दिव्यांग होकर भी इंसानियत को समेटे कमरुद्दीन ने पैदल चलने वाले इन प्रवासी कामगारों के पैर में चप्पल पहनाने का काम कर रहे हैं। न सिर्फ चप्पल पहनाने का, बल्कि साथ में खाना पानी का वितरण कर, चाहे भगवान कहिए या अल्लाह नेकी की राह, ये वो मिसाल कायम कर रहे हैं जो अच्छी मानसिकता या राजनीति वाले लोगों के मुख पर तमाचा जड़ दिए हैं। अपने पैरों से दिव्यांग कमरुद्दीन की नैनी में जूते चप्पल की दुकान है। लॉकडाउन के चलते ये दुकानें बंद हैं, पर दूसरे लोगों की तरह ये दुकानें खोलकर धंधा करने के बजाय दुकान का सारा माल निकाल लाए और प्रवासी कामगारों जिनके पैर सैकड़ों मील का सफ़र पूरा करते हुए प्रयागराज तक पहुँचे हैं और अब इन पैरों के चप्पल इनका साथ छोड़ चुके हैं, उनको फिर से एक नए साथी देने का काम कर रहे हैं। साथ में इन लोगों के लिए भोजन पानी और उदास बच्चों के लिए जूस का इंतज़ाम कर रहे हैं। वह कहते हैं कि घर से बहुत दूर है मस्जिद, चलो किसी रोते हुए को हंसाया जाए, कि बात आज सच साबित हो रही है। खबर जगत के लिए ब्यूरो प्रयागराज की रिपोर्ट। दुकानें बंद चल रही थी, मन में यह ख्याल आया कि माल भरा हुआ है और पैदल मजदूर भाई चले आ रहे हैं जिनके पैर में छाले पड़ गए हैं। ये सब देख के मन में ख्याल आया और फिर हम लोगों ने यह कार को शुरू किया। क्या कैसा लगता है इस कार को करने? ये कार मतलब करके मन को बहुत शांति मिलती है। आप स्वयं एक मतलब वैसे विकलांग टाइप के हैं, लेकिन इस तरह से काम कर रहे हैं, आप दूसरे की सेवा कर रहे हैं, बहुत दिल को बहुत सुकून मिलता है ये सब काम का। मैं अपने दोस्तों यारों से भी कहूँगा कि आप लोग भी, मौका अच्छा है, आप लोग, खुदा ने मौका दिया है, इस काम को आप लोग भी करें।